दोस्तों, जैसे मैंने बताया था VRF के बारे में, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो V+ है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने इससे पहले बताया था कार्ड के बारे में। ये जो लगा हुआ है ये कार्ड, ये मदरबोर्ड के बारे में बताया था इससे पहले। अब मैं बताऊंगा, इसके अंदर एक लगा रहता है जो SPPR यहाँ पे लगा हुआ होता है, जिसे हमने रिमूव कर रखा है। ये रिमूव कर रखा है हमने, ठीक है। तो SPPR होता है जैसे कि वोल्टेज फ्लेक्चुअल होता है उसके लिए, होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लेक्चुअल के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है RYB न्यूट्रल, यानी जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये हमारी पुरानी वाली कार्ड है और ये नई वाली है, न्यू वाली, ठीक है। ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो इसको हम वहीं पे लगा देंगे, यानी वहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुराना वाला कार्ड ख़राब हो चुका है, तो हमने इसे रिमूव कर रखा है। ये एक्चुअली ख़राब होता कैसे है, तो इसे दिखा रहा हूँ आपको। ये नई वाली कार्ड है, इसे हम वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये ख़राब होता कैसे है, ख़राब होने का कारण है कि वोल्टेज प्रॉपर हमें नहीं मिलती है, इसीलिए ये कार्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, समझे। या वोल्टेज कम होगी या ज़्यादा होगी, तो जो इनका जो हमारी 3 फेज की सर्वे लगी होती है ना, हम वहाँ से वोल्टेज को हम लोग एक्चुअल कर देते हैं जितनी हमें चाहिए, आर में, वाई में और बी में, ठीक है। चलिए इसको मैं वहाँ पे लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।